हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट। आज हम जो है कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो डिस्टेंस होता है पीक्स के बीच में गिवन मल्टीप्लेट में, वो जो है स्प्लिटिंग इफेक्ट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और इसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। यानी कि जो डिस्टेंस है दो एडजेसेंट, दो पास वाले पीक्स के बीच में एक मल्टीप्लेट में, उसको हम कहेंगे कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट को हम जे से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट है साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज। जो केमिकल शिफ्ट है वो अप्लाइड फील्ड पे डिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो कपलिंग कांस्टेंट है वो अप्लाइड फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है? वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स के केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है वो सेम होता है। जो नेचर ऑफ बॉन्ड और स्पेशल रिलेशंस है प्रोटॉन्स के बीच में, वो हमें कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बताता है। प्रोटॉन्स जो कि सेम कार्बन एटम से अटैच होंगे उसको हम जर्मिनल प्रोटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो कपलिंग होगा उसको हम जर्मिनल कपलिंग कहेंगे। और इधर जो जे का वैल्यू है, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू है, वो 0 to 20 हर्ट्ज होता है। और ये जो जे का वैल्यू है वो बॉन्ड एंगल और ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड होता है। और प्रोटॉन्स जो कि एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच है, यानी कि पास वाले कार्बन एटम से एक कार्बन एटम पे प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन होगा, और उसके पास वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन होगा। एडजेसेंट का मतलब होता है पास, नेबर। तो उन प्रोटॉन्स को हम वेसिनल प्रोटॉन्स कहते हैं, और उनमें जो कपलिंग होता है उसको हम वेसिनल कपलिंग कहते हैं। और वेसिनल कपलिंग में वेसिनल प्रोटॉन्स के केस में जो कपलिंग कांस्टेंट है जे है, वो डायहेड्रल एंगल पे डिपेंड होगा। अगर एंगल जो है वो 0 से 180 डिग्री में है तो जो कपलिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा, और अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 0 और 180 डिग्री नहीं है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो जो कपलिंग कांस्टेंट है जे है वो स्लाइटली नेगेटिव होगा। ईथेन के केस में जहाँ पे फ्री रोटेशन होता है, जो प्रोटॉन एंटी कन्फर्मेशन में है, उसका जो जे का वैल्यू है वो 5 से लेके 12 हर्ट्ज तक होता है। और जो प्रोटॉन्स गॉस कन्फर्मेशन में है, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है, उसका वैल्यू जो है 2 से लेके 4 हर्ट्ज तक होता है। कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो है 2 से लेके 4 हर्ट्ज तक होता है। जो कपलिंग कांस्टेंट है वो हमें स्पिन कपलिंग के इफेक्टिवनेस के बारे में बताएगा, और ये जो है हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग रेंज कपलिंग। हमने पहले किया था जो कपलिंग है वो स्पिन के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के वजह से होता है बॉन्ड्स में। तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो हम जे उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट 1 लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है इस कंपाउंड में एक ही बॉन्ड है। तो जो कपलिंग कॉन्स्टेंट होगा न्यूक्लाई, जैसे कि J1 का मतलब है कपलिंग कॉन्स्टेंट एक ऐसे न्यूक्लाई के लिए जिसमें एक ही बॉन्ड है, जैसे कि C13F19 ग्रुप है। जे सुपरस्क्रिप्ट 2, जहाँ पे जे कपलिंग कांस्टेंट है और उसके सुपरस्क्रिप्ट में 2 है, ये जो है एक जर्मिनल प्रोटॉन का एग्जांपल है जिसमें 2 बॉन्ड्स होता है। और जे सुपरस्क्रिप्ट 3 जो है वो एक वेसिनल प्रोटॉन का एग्जांपल है जिसमें 3 बॉन्ड्स होता है, इसलिए ऊपर 3 है। अब 3 के बाद 4 और 5 आएगा। 4 और 5 बॉन्ड कपलिंग जो है सैचुरेटेड कंपाउंड में जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उधर बहुत ही रेयर है 4 और 5 बॉन्ड कपलिंग का देखना। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो बहुत ही रेयर है। लेकिन ये जो 4 और 5 बॉन्ड कपलिंग जो है वो हमें पाई बॉन्डेड सिस्टम में देखने को मिलता है, जैसे कि अलाइल जो कि पाई बॉन्डेड है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है, और एरोमेटिक रिंग्स। उस केस में जिसमें J4 और J5 कपलिंग होता है, 4-5 बॉन्ड कपलिंग होता है, उस कपलिंग को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। इन दोस केस वे J4 एंड J5 प्रोटॉन कपलिंग्स आर फॉर्म्ड, उस केस को हम कहेंगे इट इज डिस्क्राइब्ड एज लॉन्ग रेंज। उस केस को हम लॉन्ग रेंज कहेंगे, उस कपलिंग को हम लॉन्ग रेंज
कपलिंग कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।